दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ। तो ये मतलब कि तकरीबन 11 बजे का टाइम था गाइज, और मतलब हम लोगों का सब ब्रेकफास्ट पूजा वगैरह सारा हो चुका था, तो मैं तैयार हो रही थी। एक्चुअली मुझे कहीं आज जाना था, तो और ये ना मतलब जैसे कि मतलब जाना कोई श्योर नहीं था पहले से हम लोगों का कि हम लोगों को मतलब जाना है। मतलब हम लोग मतलब हाँ ना हाँ ना में हम लोग लटके हुए थे, बट अटेंडम ऐसा हो गया ना कि अचानक से हब्बी जी ने बोला कि चलो चलना है, तो वही मैं तैयार हो रही थी फटाफट, देख सकते हैं आप लोग। तो उसके बाद हम लोगों को निकलना था कहीं, तो वीडियो में बने रहिएगा, पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ और मैं तैयार हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने साड़ी पहन ली थी और मैं इयररिंग वगैरह चेंज कर रही थी, और काफ़ी गर्मी इधर काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और थोड़ा हम लोगों को लॉन्ग जाना था, और मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है ना कि मुझे ना 4 व्हीलर पे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग आती है, तो मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ 4 व्हीलर से जाने से। मैं ज़्यादातर जर्नी ट्रेन से ही करती हूँ, और मैं बस भी नहीं जाती, बस से भी नहीं जाती। और देखो मैं दिखा रही हूँ, ये वाली इयररिंग मैं पहन रही हूँ जो मैं उस दिन मेले से लेके आई थी। तो वही फटाफट, और कुछ मेकअप नहीं करूँगी क्योंकि धूप में जाना था, मतलब दिन का टाइम है। मैं थोड़ा सा मैं फेस पाउडर वगैरह लगा रही हूँ, और ऐसे भी दिन में मैं ऐसे भी कुछ नहीं लगाती हूँ, कोई क्रीम वगैरह मैं ऐसे भी अपने फेस पे कम ही लगाती हूँ। और यहाँ पे बस मैंने पाउडर लगा लिया है, फेस पाउडर थोड़ा सा मैंने लिपस्टिक लगा रही हूँ मैं, क्योंकि साड़ी पहनो ना तो थोड़ा सा हल्का लाइट, अगर बिंदी वगैरह लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाते हो तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो थोड़ा एक परफेक्ट लुक मिल जाता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। और अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो और भी। हो चुकी थी, तो अब मैं सिंदूर लगा रही हूँ, अब बारी आती है सिंदूर लगाने की। तो हम लोग के तरफ ना सर ढक के सिंदूर या टीका वगैरह जो भी होता है ना ऐसे ही लगाते हैं। तो सिंदूर जब भी मैं लगाती हूँ तो मैं अपनी मम्मी को भी देखती थी, और देखो मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। तो मेकअप मैंने लाइट ही रखा, कुछ भी नहीं, बस मैंने एक कड़ा मैंने पहनना, एक मतलब मैंने वॉच पहन ली है, और बट मैंने बस साड़ी वियर की है। और मतलब हम लोग के घर में पूजा वगैरह कुछ भी होता है ना, या कुछ स्पेशल ओकेजन वगैरह होता है, तो मैं साड़ी ही वियर करती हूँ। और ये नहीं, आज नहीं, मैं मतलब स्टार्टिंग से ही, और मेरे हब्बी जी को बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं पहन लेती हूँ, और मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं जब भी साड़ी वगैरह पहनती हूँ। तो मैंने साड़ी पहन ली है, और मैं ना अब जूड़ा वगैरह करके जाऊँगी क्योंकि काफ़ी बाहर मुझे जाना है, तो गर्मी वगैरह पड़ती है। यहाँ पे मैं पर्स वगैरह ठीक रख रही थी अपने, और बच्चे नीचे उतर चुके थे और हस्बैंड आवाज़ दे रहे थे, तो मैंने सोचा चलो फटाफट, मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, थोड़ा सा ब्लॉग भी बन जाएगा तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो आज ना मेरे बेटे का मुंडन है तो मैं वहीं जा रही हूँ, तो छठ के टाइम पे ही मतलब था कि इस टाइम पे ही मुंडन करवाना है, तो सारे लोग जा चुके थे और मैं बस जा रही थी क्योंकि मेरे हब्बी जी को मतलब थोड़ा टाइम नहीं था, और थोड़ा उन्हें ऑफिस में काम था, तो फिर जाना भी हम लोगों का कोई फाइनल नहीं था, बट अटेंडअप हम लोग का प्रोग्राम बन गया, तो मैं रेडी हो गई हूँ। और अब मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, जैसा कि आप लोग को अभी मैंने बताया कि आज मुझे जाना है क्योंकि आज बेटे का मुंडन है, तो वहीं जा रही हूँ।
तो तैयार हो गई हूँ। छोटी सी वीडियो क्लिप शेयर करूँगी, आप लोग प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। और आज देखो मैंने ब्लैक साड़ी पहनी है, ये साड़ी मैंने ना फ्लिपकार्ट से मंगवाई है, और ये ब्लाउज ना इसका नहीं है क्योंकि इसका ब्लाउज मैंने नहीं मतलब नहीं सिलवाया है। तो मैंने पहन लिया, देखो मैंने ये वाली इयररिंग पहनी है जो मैंने उस दिन खरीदी थी, तो मैंने इस पे ये वाली इयररिंग्स पहन ली है। और कुछ नहीं किया है, मतलब ज़्यादा चूड़ी वगैरह, बस हाथ में घड़ी मैंने पहना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो अभी बाल भी मैं ये कर लूँगी, जूड़ा वगैरह कर लूँगी क्योंकि अभी मैं घर पे हूँ, इसलिए मैंने ऐसे बाल भी किया हुआ है। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि हमारे क्या मतलब कि मुंडन वगैरह जो होता है वो कैसे किया जाता है। और बाल एकदम बहुत उलझुल जैसे लग रहे हैं, और नेल पेंट भी लगाया नहीं है, ये मतलब पहले का लगा हुआ था तो वो है। तो चलिए फिर ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग के लिए बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में क्योंकि अभी मतलब मुझे जाना है, फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा वीडियो मैं स्टार्ट कर देती हूँ आप लोगों के लिए, तो एक आदत सी हो गई है। और चलिए फिर मिलूंगी आप लोगों से वहाँ पे जहाँ पे मुझे जाना है, जहाँ पे मुंडन होने वाला है। यही मतलब बाबू का मतलब मुंडन है, तो मैं आप लोगों को पहले दिखा रही हूँ, मैंने क्लिप ऐड कर दी है कि देखिए इसके बाल कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो इसी का मुंडन आज होने वाला है, तो हम लोग इसी के मुंडन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने छोटी सी वीडियो क्लिप मतलब ली है, तो देखो आप लोग ये मुंडन यहाँ पे हो रहा है, और ढेर सारा अपना प्यार आशीर्वाद मेरे बाबू को आप लोग भी दे देना। और ये तकरीबन 2 साल का हो गया है, तो आज इसका मतलब मुंडन मतलब होने वाला था। तो देखो ये बिल्कुल भी रो नहीं रहा था बहुत अच्छे से इसने, क्योंकि ये भी शायद अपने बालों से बहुत ज़्यादा उब चुका था क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके बाल बड़े बड़े हो गए थे। चुकी हूँ और अभी मतलब कि कितना बज चुका है, 7 बज चुके तकरीबन। और देखिए बाहर अंधेरा दिखेगा आप लोगों को, बाहर अंधेरा हो गया है और काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, तो बस चेंज करूँगी और अभी किचन में जा रही हूँ। तो काफ़ी अंधेरा है यहाँ पर, तो मैं आई हूँ चाय बनाने। और बाहर से बहुत ज़्यादा आप लोगों को शोर लगे क्योंकि शाम का टाइम है, तो बच्चे खेल रहे हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा, और बहुत थक गई हूँ एकदम, बता नहीं सकती बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तभी मैं ना चाय, यहाँ पे चाय बनाने आई हूँ कि मुझे चाय बनाना है। मेरी चाय की छन्नी टूट चुकी है, तो गैस में चाय यहाँ पे, चाय, और अब मैं जा रही हूँ चाय पीने बैठ के आराम से। और मैं अब ब्लॉग का एंड कर देती हूँ गैस, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो कोई वॉच नहीं करता है। और देखो मेरा चाय बन चुका है, मैं जा रही हूँ चाय पीने। तो आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, देखो पानी मैंने पिया तो लगा हुआ। आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना। और फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और अभी मुझे ना डिनर भी बनाना है, तो मैं चेंज वेंज करके अब डिनर बनाऊंगी, डिनर में लगना है मुझे। और देखो किचन वगैरह अभी थोड़ा साफ लग रहा है क्योंकि मैं सारा साफ वगैरह करके गई थी, थोड़ा अभी चाय वगैरह बनाई तो थोड़ा सा गंदा हो गया है, तो थोड़ा मुझे मैं अभी साफ करूंगी। और देखो बर्तन बर्तन सारे धुले, इसे अभी मुझे रखना है, इसे मुझे अभी रखना है यहाँ पे। और पहले सबसे पहले तो मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद ही मैं सारे काम करूंगी और थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगी। तो चलिए ठीक है, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।